ऑल राइट गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक हो गया आप लोगों का फिर से एक और गेम प्ले वीडियो के अंदर। और आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं अपना पैल वर्ल्ड। तो जैसा कि तुम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा होगा, मैंने भूसी को पकड़ा था एंड पैंकिंग को मैंने पहले ही पकड़ लिया था। भूसी को मैंने अब पकड़ा है भाई। भूसी और पैंकिंग की ब्रीडिंग करवा के मैंने बना लिया था एनोबिस। और एनोबिस एक ऐसा पैल है जिससे कोई सा भी काम करवा लो, वो चुटकी बजाते ही सारा काम कर देता है। तो आज हम ऐसा ही एक और पैल बनाने वाले हैं, मतलब वो ये वाला पैल है। मेरे को नाम नहीं पता ये कौन सा है, लेकिन जो भी है उड़ने वाला है। जल्दी से गेम को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नहीं है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाओ, लाइक का बटन दबाओ। वैसे तो यार ये रेड कलर का है, लेकिन तुम उसको दबा कर एकदम काला कर दो। काला नहीं मतलब ग्रे और बीच में काला होता है। तो जल्दी से कर दो यार, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओके, तो गेम के अंदर हम आ चुके हैं और ये है अपना फर्स्ट वाला बेस। मतलब ये काफी ज्यादा हंग्री लग रहे हैं यार। भाई तुम्हें क्या हो गया, तुम खाना पीना नहीं खा रहे हो क्या? एक बार रुक जाओ मेरे को यहाँ पर। मैंने शायद पिछली बार कुछ नगेट्स रखे थे यहाँ पर बनाने के लिए। ओके, इनको ले लेता हूँ मैं और बाकी इधर रख देता हूँ। मेरे पास काफी सारे नगेट्स हो गए हैं, ये देखो 300-400 करीब हो गए यार। ये अभी तो मेरे पास कम से कम 500 करीब थे। तो मैं सोच रहा हूँ अभी असेंबली लाइन को मैं कोई जगह दिख रही है यार तुम्हें बढ़िया सी, अगर दिखे तो यार तुम बताओ यार, मैं यहीं पर ही बना देता हूँ। ऐसा करते हैं यहीं इस वाली लाइन पर मैं बना देता हूँ एंड यहाँ पर हम ये वाली लाइन बना देते हैं। इसको मैं इधर कर देता हूँ, इसको घुमा कर ऐसे करके। तो थोड़ा सा जगह उधर छोड़ देता हूँ, जैसे कि पैल अगर होते हैं तो अपना काम वाम कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये परफेक्ट बना दिया मैंने, बाकी अभी ये आकर काम करने लग जाएंगे। और एक और चीज़ है मेरे पास, कहाँ है वो, ये वाली चीज़ भी बनानी थी मेरे को। ये भी यहीं पर ही बना देता हूँ मैं, इसको थोड़ा इधर ले लेता हूँ। नहीं यार, थोड़ा सा इधर बनाना पड़ेगा यार, ये सब सारी चीज़ मेरे को कलेक्ट करनी पड़ेगी अब। शिट ब्रो, ये सारी चीज़ कलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखो इनको बनाने में कितना टाइम लग रहा है, अपने एनोबिस ने कितनी जल्दी तैयार कर दिया था। बल्कि यहाँ पर इतने सारे देखो, कितने 4-5 पहले एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन एनोबिस भाई बहुत ही ज़्यादा फास्ट है भाई। ओके, लेट्स गो, बना दो भाई जल्दी से। एनोबिस को छोड़ दो, फटाफट से काम कर देगा। ओके, देखो कितनी चुटकी भर में काम होता है अभी अपना। ओके, एक और हो चुका है। अब देखो यहाँ पर ये सारी चीज़ें ठीक लग रही हैं, अभी अपना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बेस लग रहा है। और देखो यहाँ पर अपनी हाइपर स्पेयर बॉल आ चुकी है जो कि रेड कलर की। यार इसको मेरे को बनाना है, तो यार बनाने के लिए सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए ये देख लेता हूँ। एक तो नगेट चाहिए यार, नगेट यार बहुत चाहिए होते हैं। देखो कितने नगेट चाहिए, चलो कोई दिक्कत नहीं है, इतने ही तो नगेट हैं, मैं बना देता हूँ। भाड़ में जान दो भाई जल्दी से, अपना एनोबिस काम करेगा, जो होगा वो देख लेंगे। एनोबिस भाई जल्दी से इसको बना दो। अबे कहाँ जा रहा है एनोबिस, उधर नहीं जाना तेरे को, इधर जाना है, इधर काम करना है। ठीक है, ये कहाँ जाने की, अच्छा इधर से बनाएगा ये, ठीक है। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है यार, ये बना नहीं रहा, पता नहीं क्यों। ये क्या हो रहा है भाई, काम क्यों नहीं हो रहा है इसके ऊपर, कुछ काम नहीं हो रहा है इसके ऊपर। मुझे लगता है थोड़ा और दूर बनाना पड़ेगा क्या मेरे को। इधर देखो अब सारी चीज आ चुकी है यहाँ पर, कोई बना लेता हूँ मैं। एंड और क्या चीज़ बनानी थी मेरे को, तो यार एक तो यार ये काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों, मेरे समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर समझ में आ गया क्या सीन है, नॉट इनफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मेरे को शायद जनरेटर यहाँ पर लगाना पड़ेगा, तभी जाकर ये अपना काम करेंगे। कोई यहाँ से बनाना है, मैंने अनलॉक कर रखा है, थोड़ी सी जगह मेरे को मिल जाए ना, इधर बना देता हूँ। ऐसा करता हूँ यहाँ पर, या इधर भी जगह है यार अपनी, बहुत जगह है, यहाँ पर बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। जनरेटर से अपना काम भी नहीं है, अपना पूरा बेस यहीं पर ही बन जा। अरे यार एक तो यार इतना टाइम लगता है ना कि अपने एनोबिस को बुलाना ही पड़ता है। लेट्स गो, जनरेटर यहाँ पर लगा दिया है, लेकिन अभी इसमें पावर कैपेसिटी बिल्कुल 0% है। अब मेरे को नहीं पता ये कैसे होगी, अभी तो अभी भी काम नहीं हो रहा है। देखो नॉट इनफ इलेक्ट्रिसिटी, अभी भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है, तो यार क्या करना पड़ेगा इसको। अच्छा इलेक्ट्रिक वाले पैल लगेंगे इधर, ठीक है। अभी मुसांडा आ रहा है शायद, ये भी इलेक्ट्रिक पैल है, देखते हैं क्या करता है। अबे मुसांडा इधर आ भाई, चलो ये आ चुका है। ओ लेट्स गो, ये एनर्जी दे रहा है इसको, और मुझे लगता है ये धीरे धीरे करके चार्ज हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, लेकिन हो जाएगा। मेरे को अभी यहाँ पर एक और इलेक्ट्रिक पैल रखना पड़ेगा जो काफी ज्यादा तगड़ा हो। अभी तो 0% ही है यार, ये क्या हो रहा है। चलो एक बार ट्राई करते हैं, अगर कोई काम कर दे तो। अब काम हो रहा है अपना, ये चलने लग रहा है। देखो मेरे को ये सारी चीज करनी थी। अब देखो यहाँ पर अपनी जल्दी हाइपर वॉल भी बन जाएंगी, क्योंकि एनोबिस को यहाँ पर बुलाता हूँ, अब काम करेगा एनोबिस। लेट्स गो, एक और हाइपर वॉल, देखो कितनी जल्दी जल्दी हो रहा है। मेरे को एक और इलेक्ट्रिक पैल को रखना पड़ेगा जिससे दोनों मिलकर काम कर सके अपना। इलेक्ट्रिक पैल तो अपना यही है मुसांडा, तो मैं इस बी की जगह एक और मुसांडा को रख देता हूँ, जिससे यार ये दोनों मिलकर काम कर लेंगे। तो देखो अब देखता हूँ ये दोनों कैसे काम करते हैं। कहाँ है भाई अपना, दोनों आ जाओ यार, मजे आ जाएंगे। अभी तो एक ही आ रहा है यार, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अभी अपना इतना काम हो गया और यहाँ पर स्पेयर वॉल भी बन चुकी है शायद, ये देखो ये बन गई है इतनी आसानी से। और भी मैं सारी चीज़ यहाँ पर बना सकता हूँ, ये भी है, ये भी बना सकता हूँ, ये देख लेते कितनी 53 में बना सकता हूँ। ऐसा करते हैं अभी के लिए 10 बना लेते हैं, भी दबाते हैं, इस अपने बेस को अपग्रेड कर लेते हैं। और अपना बेस हो चुका है अब अपग्रेड, यहाँ पर मेरे को एक और पैल को रखना पड़ेगा। तो मैं फिर से किसको रखूँ यार,
चलो इसको रख देते हैं 24 का। यहाँ पर वेपन असेंबली लाइन बनानी है, हाई क्वालिटी हॉट स्प्रिंग बनाना है। तो ये देख लेता हूँ ये ओपन है या नहीं है। वैसे अभी ओपन करना पड़ेगा क्योंकि लेवल बनानी पड़ती है तब जाकर इसको ओपन करना पड़ता है। देखो हाई क्वालिटी स्प्रिंग तो 31 पे खुलेगा, ये तो यार ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये ओपन हो जाएगा अपना। एंड और क्या चीज ओपन करनी थी मेरे को, हाँ ये वाली असेंबली लाइन और करनी है। ये वेपन असेंबली लाइन है, इसके अंदर हम बढ़िया बढ़िया गन बना सकते हैं। तो चलो यार ये सीन तो ठीक है, बाकी मेरे को एक और चीज बनानी थी यार। मुसांडा कहाँ है अपना, मुसांडा लक्स का ग्रेनेड लॉन्चर बनाना था। देखो यहाँ पर ये रहा, एक बना लेता हूँ फटाफट से अपने, तू काम कर क्योंकि ये तो बहुत ही ज्यादा देर लगाएगा, थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन ये बन जाएगा। और फिर हम ट्राई करते हैं मुसांडा लक्स को और चलते हैं हम फाइट करने के लिए। चलो ये चीज तो बन चुकी है अपनी, इसको मैं इक्विप कर लेता हूँ। और मुसांडा लक्स कहाँ है भाई अपना, मेरे को सबसे पहले मुसांडा लक्स को लेकर आना पड़ेगा। तो जल्दी से मैं यहाँ पर जाता हूँ, सबसे तगड़ा ये 25 लेवल का है एंड ये 21 का है, तो ये ठीक है, मैं इसको इससे चेंज कर देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर ये चेंज हो गया। अब मैं ले लेता हूँ अपने मुसांडा लक्स को, किसकी जगह लूँ यार, मैं सोच रहा हूँ मेमोरेस्ट भी यार बहुत तगड़ा है यार, ऐसा नहीं है, मैं इसकी जगह ले लेता हूँ। ठीक है, रेप्टायरो को हम यहीं पर ही छोड़ देते हैं, बाकी और पहलों को लेकर चलते हैं। तो मेरे को एक बार मुसांडा का ये ग्रेनेड लॉन्चर देखना है। मुसांडा इसके ऊपर राइड कर सकता हूँ मैं अभी, लेट्स गो उसके ऊपर। ठीक है मैं बैठ चुका हूँ अभी, अभी मेरे को यहाँ पर ग्रेनेड लॉन्चर यूज़ करना है। ब्रो ये क्या सीन है यार, ये ग्रेनेड लॉन्चर बहुत तगड़ा है यार। रुक जा देखो यहाँ पर तो मैं दिखाता हूँ, मैं इन चिंदियों को भाई आसानी से ख़त्म कर देता है। यहाँ पर देखता हूँ कितनी दूर तक जाता है। ओ लेट्स गो भाई, ये तो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है यार। चलो अब अपने को मज़ा आने वाला है, अब हम जाने वाले हैं बहुत तगड़ी तगड़ी फाइट करने के लिए। तो लेट्स गो, एक काम करते हैं कैटरेस को हराने के लिए चलते हैं क्योंकि ये पास में, और पास वाले पहलों को मेरे को जल्दी जल्दी ख़त्म करना है। लेट्स गो एंटर करते हैं। एंड मेरे को सबसे पहले क्या फेंकना है यार, रुक जा यार मेरे को पैर लगा लेना चाहिए था, मुसांडा को ही रखता हूँ मैं। लेट्स गो मुसांडा दिखा दे भाई अपनी ताकत। अरे अब रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मैंने यहाँ पर, ओ भाई ये भी काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है भाई, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको आसानी से हरा देंगे। मेरे ऊपर वार कर रही है, रुक जा बेटा। मुसांडा लक्स भाई ग्रेनेड लॉन्चर दिखाओ अपना, ग्रेनेड लॉन्चर में इसके ऊपर एक बार बैठ जाऊँ, जाओ मेरे को बैठना पड़ेगा एक बार, देखता हूँ। बैठ जा बेटा बैठ जा बैठ जा बैठ जा, ग्रेनेड लॉन्चर ये ले बेटा। कहाँ गई ये, ओबे शिट ये तो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है भाई, क्या मज़ा आ रहा है, ये तो टाइमिंग ही नहीं दे रहा है इसको, अबे चक्कर आ गए भाई, ये मस्त है सीन, लेकिन थोड़ा अंधेरा हो जाता है, मेरे को कुछ दिखाई नहीं देता है भाई, कितना मज़ा आ रहा है, ऐसे पेलते जाओ भाई इसको, ये ले। अरे भाई क्या सीन तगड़ा यार, ये मुसांडा लक्स बहुत ही ज़्यादा तगड़ा, ये ले, ये कुछ ना कुछ करेगी, लेकिन उससे पहले हम इसको नानी याद दिला देते हैं। और कहाँ गई ब्रो, तू कुछ नहीं कर पाएगी भाई, अपने पास ग्रेनेड लॉन्चर है मुसांडा का। अरे ये ले एक और तेरे, लेकिन इसकी पावर थोड़ी धीरे धीरे ख़त्म होती जाती है। ओह शिट बच गई है, लेकिन चलो मेरे को एक और बार पता नहीं यूज़ होगा नहीं होगा। ओके ये तो यूज़ हो जा रहा है, ओह शिट मेरे को अब उतरना पड़ेगा, मेरे को अब उतरना पड़ेगा क्योंकि यार ये अपने को बहुत मारेगी। मुसांडा थोड़ा काम दिखा यार, इसको तो मुसांडा ने हाल हरा दिया। मुसांडा दिखाओ भाई अपनी ताकत। अरे यार ये मेरे पास आ गई, मेरी पावर थोड़ी ख़त्म हो गई, क्या हो गया ये। चल भाई चल 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 चल, चुटकियों में हरा दिया इसको तो हमने, पूरा मत खत्म कर दियो भाई, अब तू आ जा मैं इसको देख लूँगा। ओ शिट मैंने इसको क्यों फेंक दिया, अरे यार रुक जा मेरे को इधर निकलना पड़ेगा, अब मेरे को इसको कैप्चर करना है ना, ये ले आ जा बेटा। ओ शिट इसने मेरा पूरा जो शील्ड है वो ख़त्म कर दिया, लेकिन ये अब एक ही बार में कैप्चर नहीं होगी। ओ भाई ये क्या हो गया, पर बॉल अपने को हाइपर कर रही है कुछ ज़्यादा ही। तो रुक जाओ अब इसके अंदर रेड के अंदर इसको एक ही बार में कैप्चर करने वाले हैं क्योंकि मैंने एक रेड हाइपर वो यार ये क्या सीन है, ये कैप्चर ही नहीं हो रही है, अब तो होगी ना। चल बेटा अब तेरा टाइम ख़त्म है, अभी भी नहीं होगी तो मेरे पास एक और है। नहीं हो रही यार ये, यार ऐसी कर करके मारती रहेगी। आ जा बेटा तू नहीं होगी ना, मैं तेरे एक और दूंगा अब खींच के। ये तीर भाई मैंने रेडी कर लिया पहले ही तीर, लेकिन एक और बॉस फाइट किल हमने कर लिया और बॉस को किल कर दिया है। चलो अपने पास कैटरेस भी आ चुकी है अब, और अपने को यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। यार इसको हराना काफ़ी ज़्यादा ईजी था क्योंकि यार मुसांडा जो आता है ना उसकी जो पावर है भाई बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है यार मुसांडा। तो अभी तो हमने कैटरेस को भी ख़त्म कर दिया है, ये भी है इसको भी हम कर देंगे, लेकिन यार मैं इधर जाना नहीं चाहता, मैं सोच रहा हूँ इसको क्यों ना हराएं। इसका क्या नाम है, वॉर सेक्ट नाम है, वॉर सेक्ट पता नहीं क्या ही सीन है इसका। चलो वो थोड़ा उधर की तरफ आएगा, वैसे पास में ही इधर हम आराम से चले जाएंगे। मुसांडा लक्स के ऊपर बैठ जाता हूँ मैं। चलो बेटा मुसांडा इधर आओ, तुम इस तुम्हारे ऊपर बैठना है मेरे को। हाँ लेट्स गो। ओ वेट ए ये क्या उड़ रहा है भाई, ये तो ये अलग ही सीन है यार। मुसांडा मुसांडा ये थोड़ा एक पड़ा है, लेकिन उसको मैं बाद में लूंगा, अभी नहीं ले रहा, अभी हम चलते हैं फाइट करने के लिए। लेट्स गो।
मैं सोच रहा हूँ अभी मैं इस जॉर्मन टाइट को भेज दूँ, क्योंकि उससे हम थोड़ी देर में फाइट करेंगे। ये थोड़ा डैमेज दे देगा ना भाई, क्या कर रहा है, मार इसको। लेट्स गो, देखते हैं ये क्या सीन करता है। अब ये बहुत तगड़ा है, लेकिन मेरे को नहीं पता मैं कैसे हराऊंगा, लेकिन हरा दूंगा भाई इसको भी। अभी हमने इतने तगड़े पहलों को हरा दिया, तो इसको भी हम हरा देंगे। ये ले, मैं भी थोड़ा डैमेज कर देता हूँ। यार भाई ये बहुत तगड़ा है। ओके ओके ओके, मैं इसके ऊपर छुपा रहता हूँ बस, अपने को ये कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ ये क्या है, लेकिन है बहुत ही ज़्यादा तगड़ा यार ये। अभी मैं बेटा अभी मुसांडा को बुलाऊंगा ना, तेरी हालत टाइट कर देगा मुसांडा। ग्रेनेड लॉन्चर फेंक फेंक कर इसको मैं बर्बाद करने वाला हूँ अभी। ओहो हो हो, इसके मेरे पीछे मैं छुपा रहता हूँ बस, अभी चुटकियों में इसका खेल खत्म हो जाएगा। ब्रो बच गया बच गया बच गया, ओ बचा भाई मैं बचा। यार ये अलग ही यार, उड़ उड़ के वार कर रहा है ये। शिट यार, इसने तो अपना बहुत ही ज़्यादा डैमेज कर दिया। ओ ये तो यार फेंक फेंक कर मार रहा है। चल चल चल, थोड़ा सा मेरे को शांत रहना पड़ेगा अभी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जॉर्मन टाइट दिखा भाई। ओके मैं सोच रहा हूँ मुसांडा को भेज दिया जाए। चल मुसांडा जल्दी आ भाई। ओ शुट 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 शुट, ले बेटा एक और पड़ेगा तेरे। ले बेटा एक और, ये ले बेटा, सी से क्या होता देख लेते हैं एक बार। अरे ये ले भाई, क्या मज़े आ रहे हैं इसको मारने में। ये ले, अभी फायर वाला मैं दबाता हूँ बटन। ये ले, चल चल चल, एक घूसा पड़ेगा तेरे। ये ले, थोड़ी सी हेल्थ और डाउन कर दे, मैं इसको पकड़ लूँगा। इस एक बार देखें ये आएगा नहीं आएगा। ओ शिट, मुसांडा को ख़त्म कर दिया इसने। ब्रो मुसांडा ख़त्म हो गया अपना, लेकिन चलो अभी ये कैप्चर होने वाला है। नहीं हुआ, चल बेटा अब होगा, लेकिन नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हो जा हो जा हो जा भाई, जैसे ही मैं अपना ये जो है एरो अपने बो पर चढ़ा ले, वैसे ही पैल कैप्चर हो जाते हैं। लेकिन मेरे को ऐसे पहले ही कर लेना चाहिए अपना मुसांडा थोड़ा। वे मुसांडा है तो सही, मुझे लगा ये मुसांडा खत्म हो गया, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं है। अपने पास एक और पैल आ चुका है, जो कि मेरे को शुरू से चाहिए था भाई। ये बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है भाई, मेरे को नहीं पता था मैं इसको पकड़ पाऊंगा, लेकिन हमने पकड़ लिया। यहाँ पर इसको पकड़ते पकड़ते काफ़ी ज़्यादा रात भी हो गई। अरे इधर एग था ना, ठीक है मेरे को उसको लेकर आना पड़ेगा, एग भी ले लेता हूँ मैं। जल्दी से मुसांडा के ऊपर बैठते हैं भाई, इधर आ जा, कहाँ है मुसांडा। चलो भाई जल्दी से हम उड़कर चलते हैं, इसको नदी को पार कर लेते हैं, ऊपर से एग और ले लेते हैं। चलो बाकी हम चलते हैं अपने घर पर। अभी हमने बहुत तगड़े दो पैल पकड़े हैं, और मैं तुमको उसको दिखाने वाला हूँ कि कैसे वो पैल है। ये भी बॉस पैल है, ये वॉर सेक्ट नाम है इसका। ये भी देख लेते हैं कैसा है। एक बार मैं मुसांडा की जगह रख लेता हूँ, नहीं मेमोरेस्ट की जगह रख लेता हूँ। एंड एक और पैल था कैटरेस, कहाँ है अपनी कैटरेस। ये रही भाई, फोर्थ नंबर पे आती है ये अपने सबसे तगड़े पैल में। जॉर्मन टाइट की जगह रख लेते हैं, और मैं तुम्हें अभी दिखाने वाला हूँ यहाँ पर कैसे पैल है ये। यहाँ पर निकालते हैं इसको, और ये है अपनी कैटरेस। और ये पता नहीं क्या काम करती है, नेचुरल फाइटिंग टुगेदर नेचुरल पैल ड्रॉप द आइटम देन डिफीटेड। ओके ये अपना काम करने लग गई है भाई, पता नहीं ये क्या करती है। अच्छा ये वीट वगैरह का काम करती है। और अपने पास एक और पैल था, ये बहुत ही ज़्यादा तगड़ा पैल है। ये देखो भाई क्या मस्त है यार ये। और कौन से पैल हैं जिनको हम हरा सकते हैं, वैसे तो मैं इसको हरा देते, ये कुछ अलग पैल है। वहाँ पर चलते हैं और हम इसको हराने वाले हैं, पता नहीं कैसा पैल है वो, लेकिन जो भी है मस्त है। चलो इसके अंदर चलते हैं भाई, यहाँ पर मेरी थोड़ी हेल्थ कम हो गई थी, और वो उसको भी मैंने फुल कर लिया है। और अब जाकर अपने नाइटविंग को मैं बुला लेता हूँ। नाइटविंग थोड़ा भारी खड़ा हुआ था, यही वो केव है जहाँ पर अपने को फैंगलोप नाम है इसका। चलो देखते हैं इसको हम पकड़ पाते हैं नहीं पकड़ पाते हैं। ओके ओके ओके, ये मिल चुका है अपने को। यहाँ पर मैं किसको भेजूँ, सबसे पहले मैं भेजता हूँ अपने इस वाले नए वाले पैल को। लेट्स गो, देखते हैं ये क्या करता है इसका। यार ये तो बच्चा लग रहा है मेरे को, इसको तो हम तुरंत ख़त्म कर देंगे। कितना तगड़ा डैमेज है भाई इसका, डैमेज तो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है, ये देख रहे हो ना। अभी मैं भेजने वाला हूँ नाइटविंग को, क्योंकि नाइटविंग कुछ करके दिखाएगा। ओके मैं इधर ही रहता हूँ यार, क्योंकि मैं यहाँ पर सेफ हूँ अभी, मेरे को बचकर रहना पड़ेगा। अगे जा भाई, लड़ तू उससे, क्या हो गया। रुक जाओ मैं अपने नए पैल को भेजता हूँ, नए नहीं नाइटविंग को, देखते हैं नाइटविंग कुछ कर पाता है नहीं कर पाता है। भाई ये क्या फेंकता है देखना, ये एसिड रेन कराता है, और एसिड रेन के अंदर कितनी हेल्थ गई है देखो उसकी। ओ शिट, ये नहीं 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 नहीं, आ जा बेटा आ जा आ जा। ये क्या करा इसने, कहाँ गया ये। चलो देखते हैं इसके अंदर आता है नहीं आता यार। ओके लेट्स गो, एक और बॉस पैल को हमने कैप्चर कर लिया, और ये भी काफ़ी ज़्यादा तगड़ा पैल था। ये एसिड रेन कराता है यार, एसिड रेन बहुत तगड़ी है। लेकिन मेरा नाइट विंग भाई, नाइट विंग इतना तगड़ा हो चुका है
कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। उसने एक जो बॉम्ब वाला अटैक होता है वो उसने उसके ऊपर फेंका, कुल हाफ से बिल्कुल लो पर ले आया भाई। वो इतना तगड़ा है यार नाइटविंग को, भाई मैं मान गया बहुत ही ज्यादा तगड़ा है वो। चलो यार इसको भी हरा दिया हमने, और अब हम चलते हैं अपने पुराने वाले बेस पर जहाँ पर अपने को जाना है। यार काफी ज्यादा तगड़ा सीन हो गया यहाँ पर, हमने इतने पहलों को हरा दिया कि मजा ही आ रहा है यार ये खेलने में। तो यहाँ पर अपना केक भी तैयार हो चुका है जिससे हम और भी पहलों को बना सकते हैं। तो जल्दी से मैं एक और चीज़ अनलॉक कर लेता हूँ। यार और भी चीज़ अनलॉक हुई है अपनी, रुक जाओ लेवल अप हुई है क्या, रुक जाओ देखने दो। लेट्स गो, अपनी और चीज़ भी अनलॉक हो गई है यहाँ पर। नया बैग खुल चुका है अपना, ये क्या है, पिकैक्स एंड हेलमेट। इसके अंदर क्या होगा, प्लेस अ बेस टू इम्प्रूव माइनिंग वगैरह के लिए है ये। मेटल स्ट्रक्चर सेट भी बना सकता हूँ मैं, इसको ओपन कर लिया है मैंने। ये भी शायद मुझे लग रहा है कासल बनाएंगे उसमें कहीं ना कहीं काम आ ही जाएगा ये भी। बाकी सब अपना ठीक है, अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट बेस पे क्योंकि वहीं पर ही अपना ब्रीडिंग फार्म है। चलो यहाँ पर मैं अपने नेक्स्ट बेस पर तो आ चुका हूँ। ओके देखो यहाँ पर मैंने देखो मेटल वाली चीज खोली ना, तो मेटल की वॉल वगैरह ये सब ओपन हो गई है। तो लेट्स गो, जल्दी से मैं यहाँ पर जाता हूँ अपने। तो सबसे पहले इसको रखता हूँ, ये कौन सा है ये भाई, ये तो फीमेल है। और एक सेकंड मैं अपने एनोबिस को चेक कर लेता हूँ ये कौन सा है, ये मेल है। लेट्स गो अपना काम हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अभी मेरे को केक वगैरह रखना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं केक रख देता हूँ। केक मैंने पहले ही बना कर रख लिया था इनके लिए, और अभी जाकर ये कुछ काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों फीमेल हैं भाई। शिट, रुक जाओ मेरे पास एक और पहले मैं उसको देख लेता हूँ, वो फीमेल है या मेल है। ये चलो मेल है, ठीक है, इसको इसकी जगह चेंज कर देता हूँ मैं। ओके लेकिन यार ये थोड़ा कमजोर वाला है यार, ये दिमाग खराब हो गया मेरा, कहाँ जा रहा है तू अब, चल इधर आ। चलो ये तो ठीक है, मेरे को पकड़ कर नहीं लाना पड़ेगा, वैसे पकड़ने में भी कुछ ज़्यादा झंझट नहीं था। चलो इन दोनों को मैंने यहाँ पर छोड़ दिया, और थोड़ा टाइम लगेगा इनको ये एग बनाने में, तब तक हम कुछ और कर लेते हैं। तो भाई अपने को थोड़ा बहुत टाइम मिला है, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर अपने जो कासल है उसकी डिफेंसिव वॉल हम तैयार कर देते हैं। तो यार देखो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये वाला जो सूट इसने पहना हुआ है, आउटफिट जो है वो थोड़ा लड़की वाला नहीं है, पता नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं, गेम है यार, गेम में कुछ भी चलता है। लेट्स गो, अभी मैं बनाने वाला हूँ यहाँ पर, ये ऐसे करके ले लेता हूँ यहाँ से, बिल्कुल मेरे को पता लगता रहेगा कि ये कैसी रखी जा रही है। ओके एक दीवार मैंने यहाँ पर खड़ी कर दी है, बाकी मेरे को एक और बनानी पड़ेगी। ओके लेट्स गो, एक और तैयार हो चुकी है, बाकी मेरे को यहाँ पर मेरे को ऐसी चार बनानी है, तो जल्दी से मैं उन चारों को बना कर रख देता हूँ। चलो लेट्स गो, एक और दीवार मैंने यहाँ पर खड़ी कर दी, अब देखो क्या बढ़िया लग रही है यार, ऐसी चीज मेरे को इधर भी करनी है। लेट्स गो, अपना एक एग तैयार हो चुका है, और इसको थोड़ा टाइम लग रहा है बनने में, लेकिन ये बना देंगे भाई बहुत ही जल्दी। लेट्स गो, तो यहाँ पर मैंने इतनी दीवार खड़ी कर दी है, देखो यहाँ पर ये वाली दीवार लगा दी है, इस जगह ये वाली दीवार लगा दी है, और बीच में थोड़ा मैंने छोड़ दिया जहाँ पर गेट आ जाएगा अपना। और वैसे भी यहाँ पर ये पैल बॉक्स बना हुआ है ना, तो इसकी वजह से और दीवार बन नहीं पा रही है, इसलिए मैं इसको बाद में बनाने वाला हूँ अपने को। तो यहाँ पर एक तैयार हो चुका है, जल्दी से मैं जाता हूँ और इसको लेता हूँ क्योंकि फटाफट से, और चलते अपने नए वाले मतलब पुराने बेस पर जहाँ पर हम इस एक को ओपन करेंगे। चलो तो यहाँ पर सुबह अपनी हो चुकी है, और जल्दी से मैं एग को लेकर आता हूँ, पता नहीं कौन सा था ये वाला ह्यूज स्कॉर्चिंग एग है, ये वाला एग उन्होंने मेरे को बना कर दिया अभी। तो देखते हैं इसके अंदर से, फ्लैरिस नाम है इसका, और देखते हैं भाई ये कैसा पहल है यार, क्योंकि मेरे को ये वाला पहल शुरू से चाहिए था। और कहाँ है वो पहल, लेट्स गो, ये रहा भाई, ये देखो कितना बड़ा है, मतलब नाइट विंग से तो ज्यादा बड़ा ही है। तो चलो यार जल्दी से, मैं अब तुमको रात में, तो मैं नए वाले बेस को नहीं दिखा पाया था, इसलिए अब जाकर तुम्हें दोबारा से दिखाने वाला हूँ अपने नए वाले बेस को। ये देखो तुम्हें पीछे जो डिफेंसिव वॉल दिख रही होंगी काफी ज्यादा बड़ी हो गई है भाई। अभी ये जो बीच में पैल बॉक्स दिख रहा है ना, इधर कुछ आ नहीं पा रहा है, मतलब इसको मेरे को दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इसको मैं आगे की तरफ कर दूंगा जिससे मैं यहाँ पर गेट बना सकूँ, वॉल बना सकूँ। ये देखो ये इतना बड़ा है कि मेरे को मतलब पूरे कैमरे में आ भी नहीं पा रहा अपना कासल। अभी तो यार डिफेंसिव वॉल ही आई है, और आगे जाके अपना इतना बड़ा कासल बन जाएगा कि यार वो कुछ ज्यादा ही बढ़िया लगेगा। तो यार इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि हमने एक नए पहल की ब्रीडिंग करवा ली, और दो पहल नए पकड़ लिए, और काफी ज्यादा हमने असेंबली लाइन भी बना लिए। तो यार इतना सारा काम हमने इसी एपिसोड के अंदर खत्म कर दिया है। आई होप आप लोगों को मजा आया, अगर मजा आया तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाओ, वीडियो को लाइक करो, एंड मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।